गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने करियर में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही हम सब कामना करते हैं। दिवाली है आज और सेलिब्रेशन का समय जो है वो चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो आप तमाम दोस्तों को बता दें कि रिटेंशन लिस्ट जो है वो शाम में 5 बजे तक आएगी, और जैसे ही आएगी स्पोर्ट्स टॉक पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये मत भूलिएगा आईपीएल के रिटेंशन लिस्ट के बीच में कि हमें तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच कल खेलना है मुंबई में। कल से शुरुआत हो रही है मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। बहुत सारे लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में आकर के, अभिषेक भाई अब उस टेस्ट मैच में बचा क्या, अब तो हम हार ही चुके हैं, अब क्या फ़ायदा टेस्ट मैच में देख करके, क्या फ़ायदा होगा, भारतीय टीम जीत जाए तो भला, हार जाए तो भला, सीरीज़ तो हम हार गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हार गए तो क्या हो गया, जीत गए तो क्या हो गया। हार गए तो बंटाधार हो गया, आप वाइट वॉश तो भूल जाओ कि 3-0 से हार गए, वो तो अलग, जो इज्जत जाएगी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की 1% संभावना भी बिल्कुल धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये तो रहने ही दो कि हार भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, हार गए तो फिर आप दलदल के अंदर दब जाओगे बुरी तरीके से। अब तो आपका कम से कम गर्दन बाहर है दलदल में, सांसें ले रहे हो, जिंदा हो, अगर आप हार गए तो बिल्कुल अंदर ही जाओगे, फिर आप सोच लो कि क्या होगा। और इसके पीछे रीजन मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 टेस्ट मैच बाकी है, और इन 6 टेस्ट मैचेस में हमें 4 में जीत दर्ज करनी है, 2 हमें ड्रॉ करना है। और अगर 4 में जीत दर्ज करनी है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ में आप जीत जाइए, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच जीती तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नजर आएगी, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि हर टेस्ट मैच में अगर आप जीतते हो तो 12 अंक मिलते हैं, ड्रॉ होता है टेस्ट मैच तो आपके 4 अंक मिलते हैं, और हारते हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलता है। तो ये 24 अंक जहां पर हमें लेना चाहिए वहां पर हमने 1 भी अंक नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया मात्र हमसे 0.32 परसेंटाइल पीछे है, तो सोच लीजिए कि अगर एक और टेस्ट मैच हमारे फेवर में नहीं गया तो फिर हमारे लिए बंटाधार होना तय है। और इसीलिए मजबूत फैसले रोहित शर्मा ने लिए हैं तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले। टीम में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि खेलते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कि ड्रॉप किया जाएगा, और क्या पिच को देखते हुए एक बड़ा फैसला रोहित शर्मा ने ले लिया, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रन सम्राट यशस्वी जायसवाल ये जरूर खेलेंगे टेस्ट मैच, और ऑब्वियस सी बात है कि अपने घर में मुंबई में मेरे ख्याल से इनका पहला टेस्ट मैच होगा, क्योंकि इंडिया में अब तक इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो हम टेस्ट मैच खेले थे वहां पर मुंबई में कोई मुकाबला नहीं हुआ था। तो जायसवाल यानी कि रन सम्राट यशस्वी जायसवाल अपने घर में मुंबई में पहला टेस्ट मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलेंगे, और साथ में होंगे रोहित शर्मा द हिटमैन। भाई इनके बल्ले से रन आने चाहिए किसी भी हाल में, रन सम्राट जायसवाल हर मैच में रन कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है कि अपने घर में शायद आपको रन सम्राट जायसवाल के बल्ले से शतक देखने को मिल जाए। हिटमैन के बल्ले से एक बड़ा स्कोर चाहिए यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम जा रहे हैं, इतने बड़े गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ में जब आप खेलने के लिए उतरेंगे तो आप चाहोगे कि आपके पीछे बैगेज जिसको कहते हैं वहां पर आपको रन होने चाहिए, आपके मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में आप ऑस्ट्रेलिया जा करके खेलो, और वो कॉन्फिडेंस कब आपका बढ़ेगा, जब आप रन करोगे। नेट पर आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस ही तब बढ़ेगा जब आपके पीछे रन हो, और वो रन तो रोहित शर्मा को करने होंगे, लेकिन रोहित शर्मा चूंकि कप्तान है और आपके रन सम्राट जायसवाल ये दोनों ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर आपके लिए खेलेंगे शुभमन गिल, एक ऐसे बल्लेबाज जो कि टेस्ट मैचेस में इंडिया में उन्होंने अच्छा किया है, ठीक ठाक किया है, और उम्मीद करते हूँ कि शुभमन गिल के बल्ले से आपको कम से कम मुंबई टेस्ट मैच में रन देखने को मिले। हालांकि शुभमन गिल को खेलने का अनुभव है वानखेड़े मैदान पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये वो भी टेस्ट मैच खेले थे, जब कुल मिलाकर के देखा जाए संभवतः शुभमन गिल को खेलने का मौका मिला था जब एजाज पटेल ने 10 विकेट लिया था इसी मैदान पर। हालांकि शुभमन गिल का इस समय बल्ला उस तरीके से चल नहीं रहा है, थोड़े से खामोश नजर आ रहे हैं शुभमन गिल भी, लेकिन 3 नंबर पर द प्रिंस शुभमन गिल के बल्ले से रन आने चाहिए,
चार नंबर पर विराट कोहली, किंग कोहली यार एक तरफ जो रूट एकदम गोली की तरह आगे बढ़ रहे हैं और विराट कोहली बिल्कुल इस समय पीछे हैं, बट किंग इज किंग। आई होप कि इनके बल्ले से रन आ जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले ये आखिरी मौका है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के पास में इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को चेक करने का। नेट पर आप कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर लें, विराट कोहली या रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आपके बल्ले से रन नहीं आएंगे। एक रन करके जब आप किसी बड़े मैच में जाते हो तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है, तो वो रन आने चाहिए। और ये आखिरी मौका है न्यूजीलैंड के खिलाफ में विराट कोहली के लिए भी। पांच नंबर पर ऋषभ पंत खेलेंगे विकेटकीपर के तौर पर, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। छह नंबर पर सरफराज खान है इस समय टीम में, लेकिन केएल राहुल बाहर में है वेटिंग। क्या केएल राहुल की एंट्री हो जाएगी टीम में? लगते पूरे आसार हैं कि केएल राहुल की एंट्री संभवतः रोहित शर्मा कराएंगे इस टेस्ट मैच में या गौतम गंभीर करवाएंगे इस टेस्ट मैच में। रीजन बिल्कुल सिंपल है और रीजन ये है कि केएल राहुल को लगातार मैचेस खेलने ऑस्ट्रेलिया में, वहां की बाउंसी विकेट पर केएल राहुल आपके लिए सफल हो सकते हैं। जितने भी आपके पास में बल्लेबाज हैं उस लिस्ट में केएल राहुल भी एक ऐसे बैट्समैन है जो कि बाउंसी पिच पर खेल चुके हैं, अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया में एक शतक ये लगा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरफराज को हम बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टेस्ट मैच में फ्लॉप हो गए, जी नहीं। चूंकि पांच टेस्ट मैच आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में खेलना है, तो उस सोच को देखते हुए मुझे लगता है कि केएल राहुल आपके लिए छह नंबर पर खेलेंगे। सरफराज को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सात नंबर पर रविंद्र जाडेजा, आठ नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, नौ नंबर पर खेलेंगे आपके लिए रविचंद्रन अश्विन, दस नंबर पर अभी भी जसप्रीत बुमराह को मैं खिलाऊंगा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस से ये खबर आ रही है कि बुमराह को रेस्ट देना चाहिए, बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम वो डिजर्व करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर आराम मिला है, ऐसा नहीं है। आप नंबर ऑफ टेस्ट क्रिकेट देख लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ में जो मैच हुआ वहां पर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी, डेढ़ दिन में हम टेस्ट मैच जीत गए थे बांग्लादेश के खिलाफ में। और न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच को अगर आप देखें बेंगलुरु में, यहां पर अच्छी गेंदबाजी की बुमराह ने, लेकिन पुणे वाले टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी एंड तीन दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। उन तीन दिन में दो दिन न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, तो बुमराह को रेस्ट देने की मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है। तो मैं बुमराह को जरूर खिलाऊंगा और साथ में आकाशदीप की जगह पर मैं हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को खिलाऊं, या फिर अगर टर्निंग ट्रैक है जो कि नहीं बनाई गई है तो फिर वहां पर चौथे स्पिनर को खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद सिराज को खिलाते हुए नजर आऊंगा आकाशदीप की जगह पर। और होपफुली देखते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करती है, या फिर आप आकाशदीप के साथ में भी जा सकते हो, ये भी होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा, जायसवाल तीन नंबर पर आपके लिए खेलेंगे, शुभमन गिल चार नंबर पर खेलेंगे आपके लिए, विराट कोहली पांच पर, ऋषभ पंत छह नंबर पर, केएल राहुल सात नंबर पर खेलेंगे आपके लिए, ये रविंद्र जाडेजा आठ नंबर पर, रविचंद्रन अश्विन नौ नंबर पर, वॉशिंगटन सुंदर दस पर, बुमराह और 11 पर या तो आकाशदीप या तो मोहम्मद सिराज में से किसी एक को आप पिक कर सकते हो। बाकी आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11 जरूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दोस्तों को।